हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ग्रामीण आबो हवा में सांस ले रहे हैं। शहरों में इस प्रकार का खुला वातावरण, ऐसी शुद्ध हवा उन्हें देखने को, उन्हें प्राप्त करने को नसीब नहीं होती। किसी ने कहा है कि शहरों की मशीनी जिंदगी हमें रोज मुंह चिढ़ाती है, ना ये हंसकर जगाती है ना ये हंसकर सुलाती है। हमारे गांव के छोटे से घर के लंबे आंगन में सुबह जब धूप आती है तो वो भी मुस्कुराती है, सुबह जब धूप आती है तो वो भी मुस्कुराती है। सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलाएगी। शपथ के लिए आप अपना दाया हाथ आगे कर लेंगे प्रतिज्ञा की स्थिति में। सभी विद्यार्थी प्रतिज्ञा की स्थिति में अपना दाया हाथ आगे कर लेंगे और जिस प्रकार से निकिता शपथ बोल रही है उसी प्रकार से आपको शपथ बोल रही है। पीछे पीछे कौन आ रहे हो? नहीं बेटा, आराम मैच देखो। अरे भाई, तो बता बोल।
सब बोलो सर। स्कूल मारे मौसी का नंबर भेज दूँ तुम रानी मौसी का, जो बात कर ली रानी मौसी का फोन रखा तो कौन जो जो भी फोन है तो कोई फिर कौन मेरा दो घंटा में जाऊँगा शायद ठीक है ठीक Yeah.
मैच ही सर। आराम आराम आराम।
3:22।
अमन जल्दी ना करे जल्दी करे वो शाबाश शाबाश गुड अमन जीत क्यों गिरा हैं ओए अमन हंस के दिखा दे जो लोग अभ्यास के दौरान पसीना बहाते हैं उन्हें युद्ध के दौरान खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अपना पसीना बहाया है निश्चित रूप से उनको सफलता मिली है और जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वे भी काबिले तारीफ हैं उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इन परिणामों की घोषणा कर रहा हूँ। संजय जावत माध्यमिक विद्यालय निनाड़ की छात्राएं द्वितीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झांबर की छात्राएं रही हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आए। झांबर की छात्राएं मंच पर आए और प्रधानाचार्य महोदय जी मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान प्रभुदयाल जी और श्रीमान सरजीत जी से आग्रह है कि वे उनको उप विजेता का सम्मान देकर के सम्मानित करें। इनके साथ ये द्वितीय स्थान पर रही है इसलिए इन सभी बच्चियों को ये रजत पदक भी दिए जा रहे हैं और हम ये कामना करते हैं कि ये अपने खेल में उत्तरोत्तर सुधार करते हुए इनकी प्रगति का मार्ग है वो चांदी की भांति उज्जवल हो प्रशस्त हो। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो सरजीत जी बेनीवाल ब्लॉक कांग्रेस प्रतिनिधि मेडल पहनाकर इन बच्चियों को आशीर्वाद दे रहे हैं अब मैं आग्रह करूंगा कि झांबर स्कूल की जो टीम प्रभारी है उनसे मेरा आग्रह है कि वो भी टीम जिन्होंने 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिला स्तरीय टीम में इस प्रकार से चंदीराम जी भूप सिंह जी राम सिंह जी और बेगराज जी ताराचंद जी आपसे भी आग्रह है कि आपने लगातार इन बच्चों का आप हौसला बढ़ाते रहे हैं इसी कारण से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं निरंतर आगे प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। साथ में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्रीमान प्यारेलाल जी इनका भी मार्गदर्शन इन्हें मिलता रहा है और इनके मार्गदर्शन के कारण ही ये स्वर्णिम मेडल इनके गले में जगमगा रहा है। ऐसे ही स्वर्णिम प्रतिभा के धनी विद्यार्थी बने रहे इसी प्रकार के सारे हम रख लेते तो तैयारी करवा रहे थे और हमारे इस कार्यक्रम में भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। शांतिपूर्वक उन्होंने जो गेम संपादन में जो भूमिका निभाई है इनको स्वर्ण पदक दिया जा रहा है इन सभी बच्चों को। ये पांचों बच्चे ये संस्कारवान बने इनमें अच्छे खिलाड़ियों के गुण सदैव जागृत रहें ऐसी विद्यालय परिवार और निनाण गांव के लोगों के द्वारा कामना की जा रही है।
रसलाना के विद्यार्थी जिन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए उपस्थित हूँ और आप सभी ने उस समन्वय जो सहयोग बनाए रखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार का समन्वय इस प्रकार का सहयोग सदैव बना रहे ऐसी ही हम कामना करते हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार के संपूर्ण स्टाफ को बेहतर व्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।